मैं मुंबई में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के निवास स्थान राजगृह में हूँ और मेरे साथ है प्रकाश अम्बेडकर। प्रकाश अम्बेडकर ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा किया है। इन्होंने AIMIM के साथ जो अलायंस किया है उससे महाराष्ट्र की राजनीति के सारे समीकरण बदल गए हैं। मैं आज बातचीत करने वाला हूँ उनसे राजनीति के बारे में और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है भीमा कोरेगांव में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जो गिरफ्तारी हो गई उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। प्रकाश जी स्वागत आपका न्यूज़क्लिक में। मेरा सवाल यह है, आप पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे, आम सभाएं कर रहे और अभी तक मीडिया नहीं दिखाता था, लेकिन आपकी आम सभाएं जो है वो बहुत बड़ी हो रही है। कल की जो आम सभा थी AIMIM के साथ असदुद्दीन ओवैसी के साथ आपका अलायंस होने के बाद, कल की औरंगाबाद की आम सभा बहुत बड़ी आम सभा थी जो मीडिया में पहली बार लाइव दिखाई गई। मेरा सवाल यह है कि आप क्या चाहते हैं? सब लोग ये पूछ रहे हैं कि प्रकाश अंबेडकर क्या चाहते हैं। वो महाराष्ट्र की जो सेक्युलर फ्रंट है, तथाकथित सेक्युलर फ्रंट Congress-NCP की, वो क्यों कमजोर करना चाहते हैं? एक बात तो पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि वंचित बहुजन अघाड़ी की जो शुरुआत है वो शुरुआत उत्तरी भारत में जिनको हम लोग गडरिया कहते हैं और महाराष्ट्र में जिनको धनगर कहते हैं, उन्होंने पंढरपुर से शुरुआत की। ये जो गडरिया महाराष्ट्र में है ये करीब करीब 12% इनकी पॉपुलेशन है। चाहे कांग्रेस हो, NCP हो, BJP हो या शिवसेना हो, किसी ने भी इनको ना पहचान दी, ना इनके साथ किसी ने इज्जत से बात की, लेकिन हर बार इनका जो है वो इस्तेमाल किया गया वोट बैंक के माध्यम से। और इनकी जो एक मांग है कि बाबा साहब ने जो है वो हम लोग को आरक्षण दिया था, ट्राइबल करके आरक्षण दिया था, हमारा असली नाम जो है वो धनगट है, लेकिन यहाँ के राजनीतियों ने डी को निकाल के आर जोड़ दिया और हम लोग वंचित हो गए। तो इनकी एक अपेक्षा ये है कि भैया धनवट को ट्राइबल का आरक्षण है, महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार का धनगट नाम से एक भी परिवार नहीं है, ये हम सभी जो है वो धनगट है, लेकिन जानबूझ के जो डी का आर करके हमको जो आरक्षण से पूरी तरह से वंचित रखा है उसका दो बार हमारा इस्तेमाल हुआ। कांग्रेस तो हमेशा करती रही, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में आने के लिए हम लोगों का इस्तेमाल किया गया और पिछली बार उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बारामती में आके ये कहा था कि यहाँ के गडरियों को जो है वो हम लोग आरक्षण देंगे, ट्राइबल का आरक्षण देंगे, नहीं दिया। तो यही पंढरपुर में उन्होंने एक फैसला कर लिया कि हम अभी किसी के सामने झोली लेके नहीं जाएंगे, ना किसी के साथ हमको आरक्षण चाहिए ऐसी मांग करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो बदलने की कोशिश हम लोग करेंगे। सत्ता में हम लोग जरूर जाएंगे लेकिन अकेले नहीं जाएंगे। यहाँ जितनी छोटी छोटी समाज जो है और अंबेडकर मूवमेंट जो है, इन सभी को लेके हम लोग सत्ता में जाएंगे और वहीं से मैं समझता हूँ कि दौर एक शुरुआत हुई। उसके बाद जो है यहाँ के VJNT है, नोमैडिक ट्राइब्स है, कि उत्तर भारत में जिनको पहले पिंडारी किया जाता था उनकी ही ये वंशज है, भटकते थे, आज भी उनके पास किसी प्रकार का गांव नहीं है, देहात नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो ये भी सरकार के सामने जो है वो अपनी मांगे रखते थे कि भैया ब्रिटिशों ने हमको कैंप में बंद किया, क्रिमिनल ट्राइब बना दिया, हमारा जब था वो छीन दिया, कम से कम आज़ादी के बाद हमको एक गांव तो मिलना चाहिए बसाने के लिए। यहाँ की सरकार, चाहे BJP की सरकार हो या चाहे कांग्रेस और NCP की सरकार हो, 70 साल के अंदर उनको गांव दे नहीं पाई और इसलिए उन्होंने भी वही फैसला किया कि भैया हम खुद अभी सत्ता में आएंगे और अपने सवाल जो है
वो खुद ही एड्रेस करेंगे और ख़त्म करेंगे, ऐसी एक परिस्थिति है। प्रकाश, ये मैं मान के चलता हूँ कि एक मोड़ है कि जिस मोड़ को जो है वो AIMIM ने पहचाना और AIMIM ने खुद कहा कि हम इसके साथ आने के लिए तैयार है, और वही मेरे ख्याल से जो गठबंधन की बात हुई और आज गठबंधन AIMIM के साथ में हम लोग का है। इसका मतलब ये प्रकाश जी कि AIMIM के साथ आपने जो गठबंधन किया है वो सिर्फ दलित और मुसलमानों का गठबंधन नहीं है, उसमें OBC भी है। देखिए, ये मूवमेंट जो है वो पूरी मूवमेंट, पहले आप मान लीजिए कि ये OBC की मूवमेंट है, छोटे OBC की मूवमेंट है, BJT की मूवमेंट है। सत्ता में आने के लिए इन्होंने अम्बेडकरवादियों का साथ मांगा है, जो पूरी तरह से अम्बेडकरवादी साथ दे रहे हैं। आज इनको सत्ता में आने के लिए मुस्लिम तबका जो है वो मुस्लिम तबका इनसे जुड़ रहा था और उसी जुड़ रहा था उसको मेरे ख्याल से AIMIM का सपोर्ट मिलने से एक सीमेंटिंग हो गया, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। जी, आपकी कल की आम सभा जैसे मैंने कहा बहुत बड़ी हो गई, और वहाँ OBCs भी थे, फिर बाकी सारे लोग भी थे, मुसलमान भी थे, दलित भी थे, आपके फॉलोअर भी थे, OBC के भी फॉलोअर थे, और सारे लोग थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस और NCP के साथ आपकी जो वंचित बहुजन आघाड़ी है उनका अलायंस होगा या नहीं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं? देखिए, ये हम लोगों का जो आंदोलन शुरुआत हुआ या परिवर्तन की ये लड़ाई शुरुआत हुई, आप मान लीजिए मई महीने से शुरुआत हुई, जून को जो है हम लोग ने वंचित बहुजन आघाड़ी स्थापित की और 45 दिन लगातार महाराष्ट्र में हम लोग घूमते रहे, और हर 28 जिलों में हम लोग गए। वहाँ हम लोग यही कहते थे कि भैया आज ताकत जुड़ रही है, ये बात सही है, लेकिन हम कांग्रेस के साथ समझौता करना चाह रहे हैं, ऐसा कह रहे थे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे महाराष्ट्र के नेता हो चाहे वो केंद्र के नेता हो, वो हर बार इस्तेमाल करने की जो उनकी आदत थी उसी तरह हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और करेंगे, ये उनकी मंशा थी। लेकिन औरंगाबाद की कल की सभा जो है वो TV पे दिखाई दी, लेकिन सोलापुर की जो वंचित बहुजन आघाड़ी की रैली थी 28 तारीख को, वो भी उतनी ही बड़ी थी जितनी है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि 28 नवंबर को नागपुर में जो हम लोग रैली करने जा रहे हैं कस्तूरजन पार्क पर, वो भी रैली इतनी होगी जो औरंगाबाद की थी। एक जो है लहर चल रही है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ये लहर कांग्रेस, NCP और भाजपा दोनों के खिलाफ है? ये दोनों के खिलाफ है, दोनों के खिलाफ है, क्योंकि दोनों ने इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन हम लोग ने समझा बुझा के जितने कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं उनसे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ में हम लोग का समझौता होना चाहिए। आज भी हम लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ में समझौता होना चाहिए। हम लोग तो इस हद तक गए कि पिछले तीन लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस 22 जगह पर हार चुकी है, 2004 से, उसका भी पहले इतिहास निकालेंगे तो उन सीटों पर कांग्रेस हारते आ रही है, जीतते नहीं आ रही है। तो हम लोग ने कहा कि ऐसी 22 सीटें हैं कि जिस पर लगातार 3 पिछली पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कांग्रेस हार रही है, और कांग्रेस को हम ये कह रहे हैं कि इस 22 सीटें आप जो हार रहे उनमें से 12 सीटें आप हमको दीजिए, जो आपकी चॉइस की सीटें वो दीजिए, वो कोई उससे मतलब नहीं है। लेकिन फिलहाल भी कांग्रेस का कोई रिएक्शन नहीं है, कोई बात नहीं करना चाह रहा है। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि किसी ने बात नहीं की, मैं महाराष्ट्र के नेताओं की बात नहीं करता, लेकिन आपका जो स्थान है, इतना बड़ा मूवमेंट आप इतने सालों से चला रहे, आपसे तो राहुल गांधी ने बात करनी चाहिए। मैं प्रेस्टीज के इशू पर नहीं करूं। नहीं, प्रेस्टीज का इशू नहीं, लेकिन कोई बड़े नेता, दिल्ली के नेता ने, राहुल गांधी या उनके कोई सहयोगी हो, उन्होंने बात करनी चाहिए। आपसे किसी ने बात की है? ना, मुझसे किसी ने बात नहीं की। जो बातचीत हुई है वो महाराष्ट्र के जो नेता हैं उनके साथ ही बातचीत हुई है। लेकिन आप कितनी सीट डिमांड कर रहे हैं? देखिए, हम लोग 12 सीटें, सिर्फ 12 कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि गुजरात का चुनाव भी हम लोग ने देख चुके हैं, कर्नाटक भी मैंने देखा है, दोनों इलेक्शन में मैं सक्रिय था।
कॉन्टेस्ट करने के इसमें नहीं, लेकिन बीजेपी को हराने में हम लोग इंटरेस्ट करते तो हैं। आज भी आप कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं? आज भी हम कांग्रेस के साथ में समझौता करने के लिए तैयार हैं। तो आप ये चाहते हैं कि एक सेक्युलर फ्रंट बने? हम चाहते हैं कि सेक्युलर फ्रंट बने, लेकिन उसमें एमआईएम भी रहेगी? एमआईएम पूरी तरह से रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि एमआईएम सेक्युलर नहीं है, वो कम्युनल है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? 1980 में जहाँ तक मैं तो हम लोग तो विद्यार्थी थे, लेकिन आरएसएस और कांग्रेस का समझौता हुआ था, तो कांग्रेस हमने इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। और जिन पार्टियों से अगर मदद हो सकती है उनसे पार्टियों से मदद लेना चाहिए। अगर कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि एमआईएम जो है ये कम्युनल पार्टी है, तो मैं इनसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप इलेक्शन कमीशन के सामने आर्ची कर दीजिए, इसको डी रिकग्नाइज कर दीजिए कि ये नेशनलिस्ट नहीं है, कम्युनल पार्टी है, तो मेरे ख्याल से मामला हल हो जाता है। मैं ये देख रहा हूँ इस देश के राजनीति में हर कोई अपने आप को रॉबिन हुड समझ रहा है और इंस्टीट्यूशंस को जो है वो नकार रहा है। आरएसएस की ये थियोरी है कि वो एब्सोल्यूट पावर है और इसलिए उसको किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेता भी उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं कि हम किसी को सर्टिफिकेट दे तो वो सेक्युलर है, हमने अगर सर्टिफिकेट नहीं दिया तो हम सेक्युलर नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से सोच जो है वो गलत सोच है। एक राजा महाराजाओं की ये सोच है और हम लोग इसी राजा महाराजाओं के सोच के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। और वैसे भी यूपीए को समर्थन दिया था ओवैसी ने, 10 साल तक ओवैसी यूपीए का ही एक भाग हिस्सा थे, तो वो अब नहीं कह सकते कि भी आप नहीं आएंगे करके। तो अगर आपके साथ समझौता होगा तो उसमें एमआईएम रहेगी? एमआईएम रहेगी, बिना एमआईएम के कोई समझौता कांग्रेस के साथ में नहीं होगा। और एनसीपी? एनसीपी के साथ में हम लोग कतई समझौता नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन कांग्रेस का तो एनसीपी के साथ समझौता पहले से है, शायद होगा। कांग्रेस को एनसीपी के साथ में समझौता करना है तो वो उनका सवाल है। जहां तक आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं? हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हम उसको मान्यता नहीं देंगे। लेकिन अगर आप और कांग्रेस एक साथ साथ जाती है और कांग्रेस के सीटों को जिताना ये हम लोग की जिम्मेदारी है। आप एनसीपी का प्रचार नहीं करेंगे? एनसीपी के कैंडिडेट को हराना या जिताना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो आप एनसीपी का प्रचार भी नहीं? बिल्कुल करेंगे नहीं, हो सके तो उनके खिलाफ कैंडिडेट भी खड़े कर सकते हैं। लेकिन आप कांग्रेस के साथ समझौता करेंगे? कांग्रेस एनसीपी के साथ करेगी? कांग्रेस के साथ, कांग्रेस को जितनी सीटें एनसीपी और उनके इसमें मिलेंगे उतनी सीटों को जीतने की पूरी कोशिश। तो आपका ये कहना है कि महाराष्ट्र में हम लोग जो है वो ये है कि एनसीपी ये जो है ये बीजेपी के साथ में है, अगर वो नहीं है तो उनको इन्हें पूरा पहला बताना चाहिए। आपका कहना है कि शरद पवार और एनसीपी बीजेपी के साथ, एनसीपी और बीजेपी के साथ में है, उन्होंने पहला ये बताना चाहिए कि पूरा रिजल्ट महाराष्ट्र का आने के पहले आपने बीजेपी को सपोर्ट क्यों दिया। दूसरा जो है पिछले विधान 2014 के चुनाव में अगर उस वक्त एनसीपी चुप पे बैठती तो शायद मेरे ख्याल से दोबारा इलेक्शन होते और बीजेपी की सरकार नहीं होती है। दूसरा ये है, फिलहाल अभी दिखाई देता है कि राफेल में जो है पूरी तरह से गड़बड़ी है। जिस सरकार ये कह रही है कि हमने जो राफेल के लड़ाऊ जहाज जो है उनको 620 करोड़ में खरीदने की जो हम लोग ने किया था उसी को वो 1600 करोड़ में खरीद रहे हैं। मतलब जिसने एग्रीमेंट का पहले किया वही कह रहा है और शरद पवार उसमें कह रहे हैं, एनसीपी ये कह रही है कि इसमें कोई गलती नहीं हुई। तो ये तो सर्टिफिकेट देने की बात है। शरद पवार ने ये नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि मोदी जी के बारे में शक नहीं है और अभी अपना ये जो स्टेटमेंट है वो भी उन्होंने पीछे लिया है। देखिए, आपका विश्वास नहीं है शरद पवार के ऊपर? बिल्कुल नहीं है। क्यों? सवाल ऐसा है कि वो कभी सच बोलते ही नहीं है। उनकी बेटी का ही स्टेटमेंट है। अगर 10-15 साल के पहले अगर उनकी बेटी का स्टेटमेंट अगर निकाला जाए तो उनकी बेटी ने कहा था कि मेरे पिताजी पर कभी किसी ने विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि जो कहते हैं वो कभी होता नहीं और जो कहते हैं वो कभी बोलते नहीं है। तो उनके बेटी ने ही उनको सर्टिफिकेट दिया, तो हम कौन है? तो एक बात साफ है कि आप कांग्रेस के साथ जा सकते हैं लेकिन एनसीपी के साथ जाएंगे? तो आपका यह कहना है कि महाराष्ट्र में 48 सीट्स है,
उसमें से अगर मानो कि कांग्रेस आपको 10 या 12 देती है तो बाकी जो सीट है, कांग्रेस आपको अगर 10 सीट देती है तो 38 रहती है उनके पास, तो उन 38 सीट्स में से कांग्रेस को एनसीपी को देना चाहिए? ना 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 ना, कांग्रेस ने किसको देना चाहिए वो हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारी तरफ से 12 सीट हम जो मांग रहे हैं, 12 सीटें अगर हम लोगों को दे दिया तो बाकी के जो 36 सीट्स है वो कांग्रेस के हिस्से में है। कांग्रेस अगर उसमें से क्या करना चाहती है अब तो हम लोग बता नहीं सकते, लेकिन अगर वो एनसीपी को देती है तो आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? पूरा ऑब्जेक्शन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन मतलब देने में नहीं होगा, लेकिन हम लोग को फिर उन सीटों पे क्या करना है वो हम लोग आपस में डिसाइड। अच्छा, आप वहाँ आपके उम्मीदवार भी खड़े कर सकते हैं एनसीपी के खिलाफ? हम लोग ने कहा कि हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं है। अभी तक लड़ने का उन सीटों पर हमारा इरादा कोई है नहीं, लेकिन उन सीटों पर क्या करना है क्या नहीं है इसका हम लोग फैसला बाद में करेंगे। अच्छा, ये बहुत ही पेचीदा सवाल है और देखते हैं राजनीति कैसे जाएगी, लेकिन और एक सवाल है। हमारी मीडिया, ज़्यादातर मीडिया ये कह रही है कि अगर प्रकाश अंबेडकर इंडिपेंडेंट लड़ते हैं यानी कि तीसरा मोर्चा खड़ा करते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को होगा, आपका क्या कहना है? देखिए, ये बातें मेरे ख्याल से मैं 1990 से सुन के आ रहा हूँ। वीपी सिंह की हम लोग सरकार जब ले आए तभी भी ये बात चली थी, उसके बाद में आए यही बात चल रही है। मुझे आज तक ये सवाल का जवाब नहीं मिला है कि कई नेताओं पर ऐसे चार्जेस है कि जो नॉन अवेलेबल है। थोड़ा बहुत जो कानून जानता हूं मैं उसे ये है कि जितने भी नॉन अवेलेबल है उनको पकड़ना होता है, कोर्ट के सामने पेश करना होता है और कोर्ट अगर उनको चाहे तो बेल दे सकती है। आज तक इनको पकड़ा क्यों नहीं गया है? कानूनी व्यवस्था ये कहती है कि जिन पर नॉन अवेलेबल चार्जेस है उनकी यहाँ की पुलिस मशीनरी ने अरेस्ट करना चाहिए। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं सभी नेताओं के बारे में कह रहा हूं, मैं अकेले किसी एक का नाम नहीं ले रहा। एक पार्टी के नेताओं की बात, किसी एक पार्टी के नेताओं का नहीं कर, दसों पार्टियों के नेता जो है वो मेरी अगर जबान में, अगर मैं अपनी जबान में कहूं तो वो इस सरकार के ऑपरेशन टेबल पर है, मोदी सरकार की, मोदी सरकार के। अब मोदी है, डॉक्टर है, वो उनसे पूछता है भैया सही ऑपरेशन करो या गलत ऑपरेशन करो, तो पेशेंट उनसे पूछता है क्या चाहते हो, तो पेशेंट अगर कहता है कि नहीं आप जैसे कहोगे वैसा मैं करूंगा तो वो बचता है, और वो अगर ये जवाब देता है कि भैया मैं आपके तरह नहीं करूंगा तो मुर्दा वो बाहर निकलता है। तो ये राजनीति के जो पेचीले मामले हैं इनमें जो नॉन अवेलेबल चार्जेस लगे हुए हैं उन नॉन अवेलेबल चार्जेस का मतलब यही होता है कि भैया आपको उनको अरेस्ट करना है या हिरासत में लेना है, कोर्ट के सामने आपको उनको पेश करना है, कोर्ट अगर चाहिए तो उसको रिमांड देगी, नहीं चाहिए तो कोर्ट उसको बेल देगी। मतलब ये भैया ये चार्जेस गलत है करके स्क्वैशिंग के लिए भी नहीं जा रहे, उसको खारिज करने के लिए भी नहीं जा रहे और सरकार की ओर से इनको अरेस्ट भी नहीं किया जा रहा। तो ये अजीब और गरीब परिस्थिति 70 साल के बाद मैं इस देश में देख रहा हूँ। 30-35 साल तो मुझे राजनीति में बीत चुका हूँ। 90 में हम लोग केंद्र की राजनीति का एक हिस्सा थे और आज दोबारा उस हिस्सा को हम लोग बनने जा रहे हैं, लेकिन ये परिस्थिति जो है मैंने कभी देखी नहीं, ना है ना आगे आएगी ऐसा मुझे लगता है। फिलहाल जो परिस्थिति है वो फिलहाल की परिस्थिति में मैं इतना ही कहूँ कि ब्लैकमेलिंग की राजनीति यहाँ पे चल रही है, बीजेपी कर रही है, रूलिंग पार्टी कर रही है। और तो क्या आपको भी ब्लैकमेल करने की कोशिश होगी? आप जैसे कि एल्गार के मामले में पूना पुलिस कह रही है कि भिड़े ने और मिलिंद एकबोटे ने दंगा किया और पूना पुलिस कहती है कि नक्सलवादियों ने किया। अब उनकी थियरी
सपोर्ट करने के लिए वो ऐसे कागजात निकाल रहे हैं कि जहाँ पर एक था कि प्राइम मिनिस्टर को ख़त्म करने की बात थी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, वो लेटर अभी तक कहीं दिखाई नहीं दिया। लेकिन उस लेटर में पुलिस ने हमारा भी नाम जिक्र किया था कि भैया आप भी उनको मारने में के लिस्ट में हो और उस साजिश में हो। तो हमने कहा भैया बहुत अच्छी बात है, आप हमको अरेस्ट कर लो। पुलिस ने कहा था आपको ये? पुलिस ने पब्लिकली कहा, तो हमने जवाब दिया कि भी आपके पास दस्तावेज है तो आप पकड़ लीजिए, कोर्ट के सामने पेश कर लीजिए, हमको जो रखना है कोर्ट के सामने। तो भीमा कोरेगांव का इस्तेमाल करके आपको भी ब्लैकमेल करने की कोशिश हुई है, और वो भी दूसरे और तीसरे की नहीं, वो दिल्ली की राजनीति का हिस्सा है, महाराष्ट्र का राजनीति का हिस्सा नहीं है, वो दिल्ली की राजनीति का हिस्सा है। तो बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी चाहती है कि आप उनको सपोर्ट करें? बीजेपी सपोर्ट करे ऐसा नहीं चाहती है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी को हम लोग बैठ के एक्सपोज कर रहे हैं, राफेल का मामला जो है वो कांग्रेस ने उठाया नहीं, राफेल का मामला जो है वो पहला यशवंत सिन्हा ने उठाया, उसके बाद में फिर हम लोग ने उठाया, तीसरी बार जो है वो कांग्रेस अब लेके उसको पकड़ के बैठी है, मतलब पब्लिक स्पेस में आने के बाद कांग्रेस वहाँ पर उसको खींच रही है, लेकिन आधे तरीके से खींच रही है। मतलब सीधा है कि इसमें जो घोटाला है ये वन टाइम घोटाला ऐसा मैं मान के चलता हूँ। 600-650 करोड़ का जो एक फाइटर जेट है जिसको 1600 में खरीदा है, ये वन टाइम की चोरी है ऐसा मैं मान के चलता हूँ। आपने दे दिया पैसा, दे दिया, चोरी खत्म हो गई। लेकिन इसमें जो कंटिन्यूस चोरी है उसको कोई बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी एयरक्राफ्ट अगर खरीदा जाता है तो उसमें दो बातें होती है, एक तो उसकी मेंटेनेंस होती है और दूसरा जो है रेडी टू यूज की होती है, मतलब तुरंत इस्तेमाल करने की बात होती है। तो ये जिम्मेदारी हर वक्त जो देश सप्लाई करता है वो लेता है। जैसे कि अमेरिका में अमेरिका से हम लोग ने जो है बड़े बड़े हवाई जहाज दिए, ट्रांसपोर्ट के हवाई जहाज दिए, वहाँ पर उन्होंने सॉवरेन गारंटी देते हुए ये कहा कि ये यूजेबल कंडीशन में रहेगा, रेडी टू यूज कंडीशन में रहेगा, और इसकी जो है जिम्मेदारी वो हमारी जिम्मेदारी है। नरेंद्र मोदी से हम लोग ये पूछ रहे हैं, मोहन भागवत से हम लोग ये पूछ रहे हैं, ये जो हवाई जहाज राफेल के नाम से आपने खरीदा है इसका रेडी टू यूज और मेंटेनेंस किसके पास है? क्योंकि ये जो करारनामा अब हुआ है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है उस प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग के सामने, लेकिन असलियत में जो समझौता हुआ है वो रिलायंस डिफेंस में और डेसॉल्ट में हुआ है। सरकारी कंपनी को बाहर रखते हुए दो प्राइवेट कंपनियों का ये करार है, और प्राइवेट कंपनियों के करार के अंदर यहां पर तो सॉवरेन गारंटी की बात है नहीं, और सॉवरेन गारंटी ना होने की वजह से ये जो रेडी टू यूज है और मेंटेनेंस है उसमें कवर अप नहीं है। एयरफोर्स के कुछ रिटायर्ड अधिकारी से हम लोग ने जब बात की तब उन्होंने कहा कि भैया ये तो ऑनगोइंग घोटाला है। इसका मतलब जब अनिल अंबानी की कंपनी एयरक्राफ्ट बनाएगी या उसको सर्विस करेगी तब रिश्वत मिलेगी उसका वो है, और दूसरा जो है वो बजट से मेंटेनेंस जो है और रेडी टू यूज के लिए केंद्र सरकार को डिफेंस के बजट में से 1,00,000 करोड़ हर बार देने पड़ेगी, हर साल देने पड़ेंगे जब तक ये यूज में है तब तक। इसका तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज हम लोग ने इस बात को कहने के बाद कि भाई रेडी टू यूज और मेंटेनेंस यहां के राजनीतिक दलों के जो बड़े बड़े नेता है वो मोदी सरकार से पूछे भी है इसका करारनामा क्या है, इसकी गारंटी क्या है, ये पूछे। तीसरी बात यहाँ पर जो है वो जो कोई उठा नहीं रहा है राफेल के बीच में, यहाँ की सरकार जो है वो एक मिडलमैन का एग्रीमेंट बनाने जा रही है, मतलब अपने आप को बचाने के लिए कि ये सरकारी चर्चा होने के बाद एक सरकार दूसरे सरकार से ये राफेल भी खरीदा है, इसको दिखाने के लिए
एक एग्रीमेंट बना रही है, एक डॉक्यूमेंट बना रही है और ये कह रही है कि भैया ये जो रिलायंस कंपनी जो है ये फैसिलिएटर है इन बीच में। आप फैसिलिएटर आप कहो या खुश कहो, दोनों एक ही है, क्योंकि अपने यहां कहीं भी फैसिलिएटर की पॉलिसी है ही नहीं। तीसरी बात यहां पर ये है कि भैया आपने रीनिगोशिएट किया, तो रीनिगोशिएट करते समय पहला का टेंडर का क्या हुआ? आप पहला एग्रीमेंट आपने रद्द किया हुआ है तो उसका मतलब है वो टेंडर खत्म हो गया, आपने नया टेंडर फ्लोट किया नहीं किया है। तो ये तो मैं समझता हूं कि मोदी जी की है क्रिमिनल केस है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर डिफेंस के जो परचेस करने की जो सिस्टम है उस सिस्टम को उन्होंने बगल दिया है और प्राइम मिनिस्टर के नाते उन्होंने ये खरीदारी को अप्रूवल दिया हुआ है। इसको कैबिनेट सब कमेटी का अप्रूवल बाद में है, मोदी जी का पहला है। तो आपको लगता है इसके लिए मोदी जी पर क्रिमिनल केस होना चाहिए? क्रिमिनल केस होना चाहिए। और आपने कभी ये भी कहा, मैं उदाहरण दे करता हूं कि कांग्रेस वाले इस उनके पास बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े वकीलों ने दिल्ली के मैजिस्ट्रेट कोर्ट में एक सीधा नोटिस दे के मोदी पर क्रिमिनल केस दाखिल करनी चाहिए कि आपने पहला डिसीजन लिया और उसके बाद में जो है कैबिनेट सब कमेटी ने अप्रूवल दिया है। हालांकि ये होता है कि कैबिनेट सब कमेटी को जो रिपोर्ट जाती है वो नीचे के अधिकारियों को जाती है, वो डिसीजन लेते हैं, फिर कैबिनेट डिसीजन होता है और फिर प्राइम मिनिस्टर उसको खरीदते हैं। इसको पहले प्राइम मिनिस्टर ने खरीदा और बाद में जाके कैसा कैबिनेट सब कमेटी को कहा कि इसको आप अप्रूवल दे दो। तो आपको लगता है ये क्रिमिनल घोटाला? ये क्रिमिनल घोटाला है। लेकिन कल आपने ये भी कहा औरंगाबाद की आम सभा में कि मोदी जी खुद नहीं पैसे खाते, दूसरा खाता है उनकी तरफ से और फिर उनको हिस्सा देता है, इसका मतलब क्या है? देखिए आप जो रिलायंस को इतनी बड़ी घोटाले की बात है, अनिल अंबानी को जो कॉन्टैक्ट दिया है 50% इनके पास आ जाएगा। मोदी जी के पास आएगा। मैं इलेक्शन कमीशन से ये कहूंगा कि पिछले बार इन्होंने जो है 500-850 करोड़ रुपए का जो इलेक्शन खर्चा बताया है, पार्टी का खर्चा बताया, उसका चेक करें कि कहां से पैसा आया, कौन से कंपनियों ने दिया। तो आपको लगता है ये पैसा, ये जो रिश्वत है, मोदी जी को भी मिल रही है और बीजेपी को भी? ये बीजेपी को मिल रही है। तो मोदी जी अपने आप को बताते हैं, वो अपने आप को सेफ करते बताते हैं, लेकिन शेयर जो है वो पार्टी को जा रहा है। अगर ये नहीं है तो पार्टी को शेयर नहीं जा रहा है। दिस इज व्हाट इज नोन इन अंग्रेजी में कॉरपोरेट करप्शन। मोदी जी का करप्शन का नाम अगर कुछ है तो कॉरपोरेट करप्शन है। कॉरपोरेट करप्ट कर रहा है और वो कॉरपोरेट जो है वो पूरी इलेक्शन सिस्टम और मशीनरी को करप्ट कर रहा है। मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस का करप्शन एक इंडिविजुअल करप्शन था कि उस सिस्टम को करप्ट नहीं कर रहा है। मोदी जी का करप्शन जो है वो कॉरपोरेट करप्शन है और पूरी सिस्टम को वो करप्ट कर रहा है, कोलैप्स कर रहा है। इज मोर डेंजरस देन कांग्रेस करप्शन। मोदी इज मोर डेंजरस देन कांग्रेस। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने अभी राफेल के बारे में नई बात बताई। हम आते हैं भीमा कोरेगांव की तरफ वापस। आपने कहा कि आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की बीजेपी ने। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री को मारने की जो साजिश थी, जो षड्यंत्र था, सुप्रीम कोर्ट में जो अभी केस हुई 5 कार्यकर्ताओं के बारे में, उसमें तो ये षड्यंत्र नहीं बताया महाराष्ट्र पुलिस? बिल्कुल नहीं बताया। तो आपका क्या कहना है, ये पूरी तरह से बोगस केस है? ये पूरी तरह से बोगस केस है। मैं नहीं समझता कि मैं अगर किसी को मार रहा हूं तो मैं लिख के कहूंगा मैं इसको मार रहा हूं करके और किसी को मेल भेजूंगा। पागल होगा वही भेजेगा। जो सियाना आदमी है वो कोई डॉक्यूमेंट रखता नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि भैया पुलिस डिपार्टमेंट पर हम लोग इतना प्रेशर डालते हैं। एक ब्लास्ट हुआ तो मैं ही अकेला होता हूं उस पर खड़ा कि भैया पुलिस वालों को प्रेशर मत डाल दीजिए, क्योंकि जिसकी पहली ब्लास्ट करने की इच्छा होती है या जो कोई एजेंसी है इसके पीछे है वो ब्लास्ट करने की नहीं सोचता है, वो अपने कदम जो है उसको मिटाने की कोशिश पर उस पर पहला प्लानिंग करता है कि मेरे कदम ना मिले।
आप इतनी बड़ी प्लानिंग होती है और फिर हम लोग पुलिस को कहते हैं कि नहीं, पुलिस किसी को पकड़ के ले आती है, पकड़ती भी है, इसने किया है। तो ये जहां तक मैं समझता हूं कि मामला है, ये जो एजेंसियां करती है, तो मेरे ख्याल से जिसने किसी ने ये किया होगा उसको भी ये पता होगा। आज भी राजीव गांधी बेचारे एक ब्लास्ट में गुजर गए, जो ब्लास्ट में थे वो मिल गए, लेकिन जिन्होंने ब्लास्ट करवाने का पूरा प्लानिंग नक्शा, उसमें से कोई एक भी। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड अभी तक बाहर है? मास्टरमाइंड मिलता ही नहीं कभी, इन्होंने कभी गिरफ्तार नहीं, वो कभी गिरफ्तार होता ही नहीं, क्योंकि वो चेन ऑफ इवेंट्स जो है वो तोड़ ही देता है। तो मेरे हिसाब से जो कोई करने वाला है वो भी वही करेगा। आप पुलिस वालों का ये कहना नहीं है कि भैया जिनको पकड़ा है वो करेंगे, बोले नहीं, ये इनकी एक थ्योरी थी कि ऐसा करना था। और वो भी जहाँ तक मेरे पास उस लेटर की एक कॉपी है, उसमें जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मारने की कोई उससे मेंशन नहीं है, उसमें खाली इतना ही मेंशन, फेक लेटर है वो, उसमें खाली इंसाइड इंसिडेंट लाइक राजीव गांधी, मोदी का नाम भी नहीं, मोदी का नाम भी नहीं है। तो आपको लगता है ये लेटर भी फैब्रिकेटेड? फैब्रिकेटेड है। तो आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, अगर ये फैब्रिकेटेड नहीं होता तो शायद मेरे ख्याल से ये आईटी एक्ट जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उस इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट को फॉलो करते हुए कोर्ट, पार्लियामेंट ने जिस तरह से कहा कि आपको किसी डॉक्यूमेंट पे रिलाय करना है तो आपको ये आईटी एक्ट के मुताबिक पेश करना होगा। आईटी एक्ट के मुताबिक अगर आपने पेश नहीं किया तो कोर्ट इस पर रिलाय नहीं हो सकती, इसलिए डॉक्यूमेंट एफिडेविट पे नहीं आ रहे। और पुलिस ने इस मामले में प्राइम मिनिस्टर को मारने की कोशिश के बारे में कोई एफआईआर भी नहीं किया? कोई एफआईआर भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने यह कहा कि ये तो हमारी विजय हुई है, ये महाराष्ट्र सरकार की विजय है, ये पुलिस की विजय है, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें मैं दो बातें कहूंगा। जिस दिन सनातन के व्यक्तियों को पकड़ा गया जी ब्लास्ट में और हथियारों से के साथ और बम के साथ में, तभी हमने कहा कि ये अब डाइवर्शन करने के लिए नक्सलवादी ऊपर आ जाएंगे, और पैरेलल मामला चला। यहाँ का अखबार जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बिक चुका है, प्रिंट मीडिया है वो बिक चुका है, और इसलिए उन्होंने हाईलाइट जो किया वो इन पांचों को हाईलाइट किया, उसके बाद में और पांच जन जो पकड़े उनको हाईलाइट किया, लेकिन जो सनातन के दो हथियारों के साथ मिले, बम के साथ मिले, उनकी कोई न्यूज नहीं। सिर्फ कोर्ट ने कहा क्या उतना ही न्यूज है, उसके अलावा कोई है ही नहीं, और पुलिस उसमें कोई जांच करने की इच्छा रखती ही नहीं है। तो मैं ऐसा है कि जो जो सवाल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूछना चाहिए कि भैया नक्सलवादी जो है वो गरीब है, इसलिए उनको अपनी बचाव के लिए वो बंदूक उठा रहे, अपने बचाव के लिए हथियार उठा रहे, तमाम बातें हैं, लेकिन सनातन के साथ में जो लोग हैं ये तो अमीर परिवार के लोग हैं, उच्च गुरु समाज के लोग हैं, इज्जत तो वैसे ही उनको मिलती है, फिर हथियार उठाने की जरूरत क्या है, ये बम रखने की जरूरत क्या है, किसके खिलाफ ये इस्तेमाल करने की बात है? नक्सलवादियों के बारे में ये होता है कि पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने हथियार रखी, ये बात सही है, मैं समझ सकता हूँ उस बात, लेकिन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो ये क्यों नहीं सवाल पूछे भैया आपके पास की हथियारों की क्या जरूरत है, आप तो सवर्ण लोग हो, वैसे ही इस देश के मालिक हो, पूरी सत्ता आपके हाथ में है, और फिर बम और ये बंदूकें आपकी की जरूरत क्या है? यही सवाल आरएसएस वालों को पूछना चाहिए कि आपके यहां AK-47 आई कैसी, एक पिस्टल भी अगर लेना है तो 10 सवाल होते हैं, एक चाकू भी अगर मिल गया तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। मैं यहां की व्यवस्था से पूछ रहा हूं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पूछता हूं, क्या आपने पुलिस वालों से पूछा कि मोहन भागवत के नाम पर AK-47 है वो कहां से आई,
आरएसएस के कार्यालय में टॉमी गन है वो कहाँ से आई, मल्टी बैरल फायर गन है वो कहाँ से आई, एट अ टाइम जिसको इन्होंने कहा कि 600 राउंड चल सकती है, ऐसे इनकी खरीद नक्सलवादियों की खरीदने की बात है लेकिन आरएसएस के पास वो मौजूद है, वो कहाँ से आई आपने नहीं देखा। या शीला रशीद ने जो कहा उसको सच करने के लिए आपने नक्सलवादियों को बलि चढ़ाने की बात कही। तो मेरे ख्याल से कई सवाल है कि जिस पर मीडिया और प्रिंट दोनों चुपचाप है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं तो भी बड़ी घटना इस देश में होने के परिस्थिति में दिखाई देती है। लेकिन प्रकाश जी, जब आप ऐसे आरोप लगाते हो तो सरकारी पार्टी के लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि आप नक्सलवादियों का समर्थन करते हैं, आपका क्या जवाब है इसका? सवाल ऐसा है, मैं इनसे पूछता हूं कि भैया आर्टिकल 244 किसी ने अध्ययन किया है? किसी ने अध्ययन नहीं किया। बड़ी सूझबूझ के साथ में बाबा साहब ने यह आर्टिकल 244 संविधान के अंदर बनाया, उसकी रचना कोई देखता ही नहीं है। मैं दुर्भाग्य से कहूं, जिस तरह से दुनिया में क्रिश्चियन लोगों की और मुस्लिम लोगों की जो लड़ाई चल रही है, उसी तरह से भारत में आदिवासी और नॉन आदिवासियों में लगी हुई है। तेल के जो कच्चे तेल के भंडार जो है वो इस्लामिक स्टेट के पास है, इस्लामिक कंट्रीज के पास है, और उसको इस्तेमाल करने की जो टेक्नोलॉजी है वो क्रिश्चियन वर्ल्ड के पास है। तो ये कच्चा तेल सस्ता मिलना चाहिए, इसलिए अरबिक वर्ल्ड में जो है वो गुस्ताखी हो रही है। वो गुस्ताखी भारत में ना हो इसलिए बाबा साहब ने उसका प्रावधान किया। उन्होंने कहा कि भैया यहाँ की जल जंगल और जमीन और खनिज ये आदिवासी इलाकों में, और ब्रिटिश कभी आदिवासी इलाकों पर राज नहीं कर पाए, घुस नहीं पाए, इसलिए वहाँ की संपत्ति वैसी की वैसी रही, और इसलिए उन्होंने आर्टिकल 244 के माध्यम से ये कहा कि इसकी देखभाल जो है ये आदिवासी करेगा, इसलिए ऑटोनॉमस आदिवासी जोन बनाया उन्होंने, और कहा कि यहाँ की जो है जल है, जमीन है, जंगल है, खनिज है, इसका नियंत्रण और इसका कंट्रोल जो है वो ऑटोनॉमस बॉडी होगी उस पर होगी। आपने अमल क्यों नहीं किया अब तक? आदिवासी इलाका भी इस देश का हिस्सा है, ना पार्लियामेंट अमल कर पा रही है, ना यहाँ की कोर्ट व्यवस्था उसको डायरेक्शन दे रही है। तो वहाँ के लोगों की जो संपत्ति की लूट हो रही है, वहाँ के लोगों की जो भगाया जा रहा है, वो अपने आप को कैसे रोके? किसानों का जो कल आंदोलन हुआ उसको आप नक्सलवादियों का नहीं कहते कि जो ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर चला गए पुलिस पर? और ये अपनी संपत्ति को बचाने के लिए निकले हैं तो आप इनको नक्सलवादी कह रहे हो? ये तो उसी तरह लुटेरों की टोली है जिस तरह इस्लामिक कंट्रीज में कहा जा रहा है कि भैया ये हमको लूट रहे हैं, हमारा तेल सस्ता में ले जा रहे हैं और हमको गरीब बनाने के जा रहे हैं, हमको भिखारी बनाने के जा रहे हैं। उसी तरह ये जो आदिवासी इलाका है ये आदिवासी इलाकों को भगा रहे। यहाँ जो अखबार है प्रिंट मीडिया है, इन्होंने कभी पूछा भैया तुमने ये जो सालवा जुड़म जो है सरकार ने बनाया क्यों पता है? वहाँ के खनिज जो है वैल्यू एडिशन न होते हुए मट्टी चली जा रहा है। आज गोवा की हालत देखिए, गोवा जो है कोई माइन उनके पास बचा नहीं है। सही है। अगर गोवा फ्रीडम कल गोवा को अगर फ्रीडम दे देते हो, इट्स अ बनाना रिपब्लिक। तो इस देश को जो बनाना रिपब्लिक बनाने की जिसकी साजिश है, उस साजिश में चाहे आप उसको नक्सलवादी कहिए, आप कुछ कहिए, वो रोक रहा है। यहाँ जो मिडिल क्लास है, मैं उससे आगाह करना चाहता हूँ कि आपकी पॉलिटिकल सोवरेनिटी अगर बरकरार रखना है
तो आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होना ज़रूरी है, नहीं तो आप पे ब्रिटिशों की तरह कोई राज आके नहीं करेगा, आपको आज जो है वो लूटेगा, इकोनॉमी से लूटेगा। और ये लूटने से अगर बचना है तो आपकी जो खनिज संपत्ति है उसको बरकरार रखना ज़रूरी है, और ये बरकरार रखना आदिवासी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से रख सकता है, सुरक्षा दे सकता है। और इस पर मैंने कहा सब लोगों ने सोचना चाहिए कि भैया हमारे आयन ओर है वो किस इलाके में, डायमंड जो है वो किस इलाके में, बॉक्साइट जो है वो किस इलाके में है, कॉपर जो है वो किस इलाके में, आपका गोल्ड जो है वो किस इलाके में, ये आदिवासी इलाके अलावा कहीं नहीं है। आपका कहना है कि नक्सलवादी इसको मुद्दा बना रहे, मैं लेकिन ये सही है, आपका कहना सही है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब नक्सलवादी हथियार हाथ में लेते हैं और हिंसा करते हैं, आपकी भूमिका क्या है? मेरा सवाल ये है जो लूट रहा है उसका क्या है? संविधान मुझे अपने आप को बचाने का पूरा अधिकार देती है। जब हम लोग ये कहते हैं कि भैया कोई तुमको मारने आया और तुमने उसको मार दिया तो इट इज़ नॉट अ मर्डर, यू सी इट्स अ सेल्फ डिफेंस। आपका कहना है ये लड़ाई लुटेरे और आदिवासी के बीच है। ये लड़ाई लुटेरों की और आदिवासियों के बीच में है, और ये आदिवासियों को शहरवासियों के कुछ लोग मदद कर रहे हैं, ये बात सही है। मेरा आखिरी सवाल है, संभाजी भिड़े को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जहाँ मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहा है कि वो हमारे गुरु है, तो मेरे ख्याल से लॉ एंड ऑर्डर की उम्मीद रखना तो बहुत मुश्किल है, ये खुद ही दंगाई है। और खुद ही दंगाई होने की वजह से जो दंगा कर रहे हैं उनको वो समर्थन करेंगे, अरेस्ट नहीं होने देंगे। लेकिन आपने कहा था आज़ाद मैदान की मीटिंग में कि आप कुछ बड़ा आंदोलन करेंगे, अभी तो सरकार ने उनके खिलाफ जो दंगे के आरोप थे 2008-2009 में वो भी वापस लिए। बात सही है, हम लोग अभी इलेक्शन का रास्ता चुन रहे हैं, क्योंकि मामला जब गर्म था तब हमने कहा तुमने अरेस्ट नहीं किया तो महाराष्ट्र की असेंबली को हम घेराव करेंगे, यहाँ की सरकार भाग गई नागपुर के इलाकों में। नागपुर का इलाका और वैसे आधा 3/4 महाराष्ट्र का इलाका दोनों अलग अलग है, खानदेश और मराठवाड़ा और विदर्भा को लेके एक मुगलों का शिवाजी महाराजों का इतिहास है, बाकी का जो विदर्भा का इलाका है वो शांति का इलाका है, इसलिए उनकी यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इसलिए उनका इतिहास अलग है। जो भीमा कोरेगांव की लड़ाई है, उस भीमा कोरेगांव की लड़ाई में मैं समझता हूँ कि कुछ लोग औरंगाबाद के थे, कुछ जलगांव के थे, कुछ नासिक के थे, कुछ पूना के थे, सातारा ये थे, तो वहाँ के लोग थे, उसमें नगर के लोग थे, तो उनका वो सबसे बड़ा समस्या थी, और इसलिए ये यहाँ से नागपुर भाग गए। आप जो है वो 7-8 महीने में इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन में हमको इनको शीशक देंगे, और मैं उम्मीद के इलेक्शन में आप इशू बनाएंगे, इनको हराएंगे और भिड़े को दोबारा अरेस्ट करेंगे। आपकी अगर सरकार आती है या आप सरकार में एक हिस्सा बनते हैं तो आप संभाजी भिड़े को गिरफ्तार करेंगे? संभाजी भिड़े को भी गिरफ्तार करेंगे और मोहन भागवत को भी गिरफ्तार करेंगे जरूर करेंगे। क्यों? AK-47 कहां से लिया है? टॉमी गन कहां से लिया है? आपको लगता है कि कांग्रेस आपसे सहमत होगी? कांग्रेस हो या ना हो, लेकिन अगर सरकार बनानी है तो हमारे बिना बनेगी नहीं, ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। और अगर आप सरकार में जाएंगे ये सारी बातें करेंगे। प्रकाश जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी बेबाक बात आज की है। शुक्रिया।